नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों दांपत्य जीवन का आधार है माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा। जी हाँ, जिस घर में या जिस घर के लोग मंदिर में जाके शिव पार्वती का पूजन करते हैं उनके घर में सुख सौभाग्य बना रहता है। अलग अलग अवसरों पर विभिन्न स्वरूपों में भगवान शंकर और माता गौरा की पूजा होती है और इसी क्रम में जो हरितालिका तीज व्रत है उस दिन भी शिव पार्वती की पूजा भक्तगण करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। मित्रों मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपके काम की होती है। यदि आपको मेरे विचार और मेरी जानकारी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर प्रदान करें। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। मित्रों आप अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। मित्रों पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन जो वक्त है ना वो वापस लौट कर नहीं आता। उम्र दिनों दिन बढ़ती जाती है, जवानी के बाद अधेड़ावस्था फिर वृद्धावस्था आती है। तो जो सुख आप जीवन के पूर्वार्ध में ले सकते हैं उपाय करके, यदि आप उस समय पर सही उपाय नहीं करते हैं तो वो समय निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है। तो सभी के तरह के जो उपाय होते हैं वो समय रहते ही आपको कर लेने चाहिए। यदि आपकी कुंडली नहीं है, आपको जन्म समय वगैरह भी पता नहीं है, तो आप अपनी फ़ोटो दिखाकर, अपने हाथ के प्रिंट भेजकर या फिर रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग या लामा फेरा करवा कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अपने प्रतिकूल चल रहे लोगों को भी अपने को अनुकूल बना सकते हैं। और किसी का भी हम बुरा नहीं करते हैं, ना ही आपको सलाह देते हैं किसी तरह का किसी का बुरा करने की, लेकिन अच्छे विचारों के द्वारा आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। और ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। यदि नेगेटिव एनर्जी होती है तो शत्रु बाधा बहुत ही परेशान करती है। तो आप बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए मित्रों, और हम ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं आपको और फ़ोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं हरितालिका तीज के बारे में। मित्रों ये इस बार पड़ रही है 21 अगस्त 2020 को है हरितालिका तीज का व्रत। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व का होता है। कई लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग घर पे पूजा करते हैं और कुछ लोग मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। कई स्थानों पर शिव जी और पार्वती जी को वस्त्र भी इस दिन अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप से भगवान की आरती की जाती है। पार्वती जी को सभी सुहाग का जो सामान होता है, समस्त सामग्री जिसमें हो वो अर्पित की जाती है। साथ ही 13 तरह की मिठाई भी अर्पित की जाती है। पूजा करते वक्त कहानी भी कही जाती है और इस वक्त जो साड़ी वगैरह है, सुहाग का सामान है, उसको एक थाली में रखा जाता है और 13 तरह की मिठाई भी एक थाली में रखी जाती है। इसके बाद अपने पल्लू से, जब पूजा हो जाती तो अपने पल्लू से 4 बार थाली को टच करके और भगवान के चरणों को टच करके वारने लिए जाते हैं। कहानी समाप्त होने के बाद जो वायना होता है वो सास को दिया जाता है। यदि किसी की कोई सास नहीं है तो वो मंदिर में जो ब्राह्मणी होती हैं उनको भी दे सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरितालिका तीज की कहानी, जो कि इस प्रकार है। तो आप पूर्ण ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुनिए और पुण्य का लाभ उठाइए। एक राजा थे, उनका नाम हिमाचल था। उनकी पुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए पति रूप में घोर तप किया। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए उपवास किया था, शिवलिंग स्थापित किया था और रात्रि जागरण करके उनकी पूजा की थी। उनकी इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर को आना पड़ा था और पार्वती जी की इच्छा के अनुरूप उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार भी है कि जो उनके पिता थे हिमाचल, उनके पास नारद जी आए और नारद जी और उनके पिता के बीच ये बात हुई कि जो माता पार्वती जी हैं उनका जो विवाह है वो किसी अन्य देवता, अन्य भगवान के साथ संपन्न कर दिया जाए। इस बात से माता पार्वती बहुत ही परेशान हुई क्योंकि वो तो भगवान शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती थी। और यह बात उन्होंने अपनी एक सखी को बताई। पार्वती जी की सखी उनको एक गुफा में ले गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ तुम आराम से पूजा करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा।
और ऐसा ही हुआ, वहीं पर माता पार्वती शिव जी की पूजा करने लगी। भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दिन भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जब माता ने व्रत किया था और रात्रि जागरण किया था, और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव को आना पड़ा था और उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आए थे और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कथा में ऐसा वर्णित है कि फिर शिव जी वापस कैलाश पर चले गए थे। तपस्या के पश्चात जब पार्वती जी सारी पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर रही थी, तभी उनके पिता ने उनको वहाँ देख लिया और उनसे सारी बात पूछी। तब माता ने अपने पिता को बताया कि मैंने भगवान शिव जी से विवाह कर लिया है और उनका पति के रूप में चयन कर लिया है। जब उनके पिता हिमाचल को पूरी बात पता चली, तो उन्होंने पूरे विधि विधान से शिव जी के साथ माता का विवाह करवा दिया। और इस जो व्रत है, इसका नाम इसलिए हरतालिका पड़ा है कि पार्वती जी की जो सखी है, उन्होंने हर कर उनको गुफा में पहुंचाया था, जहां पर वो भगवान शंकर की विधिवत उपासना कर सकी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर सकी। तो इसीलिए इस व्रत का नाम हर सखी के द्वारा हरने के कारण उन इस व्रत का जो नाम है हर तालिका पड़ा। और तृतीया तिथि थी, इसलिए तीज कहा जाता है। तो हरतालिका तीज के नाम से यह त्यौहार प्रसिद्ध हुआ। और इस त्यौहार के बारे में ये कहा जाता है, इस व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उसका सुहाग अखंड रहता है और उसके सुहाग पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। प्रत्येक सुहागिन स्त्री को इस हरतालिका व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जिस तरह से माता पार्वती ने अपनी पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार से हर स्त्री अपने मनोनुकूल जीवन साथी को प्राप्त करें। साथ ही जिनका विवाह हो चुका है, जो इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, उनका सुहाग माता रानी बनाए रखें। तो यही इस व्रत का उद्देश्य है और इसको बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ स्त्रियां मनाती हैं और हर जगह ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार ये पड़ रहा है 21 अगस्त 2020 को, और ये भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, उस दिन ये मनाया जाता है। और इसको हरतालिका तीज भी कहा जाता है, और कई कई ग्रंथों में काली तीज भी कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती हैं, उनका ही एक स्वरूप काली भी है। तो इस तरह से कई स्थानों पर ये भी कहा जाता है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से ये व्रत वर्णित है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस व्रत को प्रसिद्धि मिली है, वो है हरतालिका तीज। और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और माता पार्वती, आपको पता ही है, सुहाग देने वाली देवी हैं। जिस तरह से माता लक्ष्मी धन की देवी मानी गई हैं, उसी प्रकार से माता पार्वती सभी मनुष्यों को, मतलब सभी स्त्रियों को सुहाग प्रदान करती हैं। तो बोलो माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय, हरतालिका तीज की जय हो। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे, और हरतालिका तीज का व्रत अवश्य करिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए।